हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो आज मैं बना रही हूँ छठ स्पेशल बिहार ठेकुआ की रेसिपी। ये छठ में बनाया जाता है और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप महीनों तक बना कर स्टोर कर सकते हैं, और अगर सही रेशियो पता चल जाए तो आप इस ठेकुआ को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये रेसिपी, बस इस रेशियो का ध्यान रखें। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 कप बड़े कप से मैंने गेहूं का आटा लिया, और यहाँ पंचमेवा लिया है। पंचमेवा को इस आटे में डाल देना है हमें, और फिर उसके बाद मैंने ये देखिए सफ़ेद गुड़ के चंक्स लिए हैं। अब देखिए मैं इसमें घी को गरम करके ऐड कर रही हूँ, तो 3 से 4 टेबलस्पून भर भर के मैं इसमें घी ऐड करूँगी। टेबलस्पून आप मेरा देखिए बहुत बड़ा चम्मच है। अब ये देखिए घी को डालकर इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरह से जब वो बाइंड करने लगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे ठेकुआ खस्ता बनेंगे। तो अब देखिए मैंने लिया था जो गुड़, उसको मैंने पानी में मेल्ट कर लिया, और अब मैं इसमें जितना भी मीठा आप पसंद करें उस हिसाब से मैंने डाला। और ये देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए इसका हमें डो नहीं बनाना, बिहार में जो ठेकुआ बनता है उसका डो नहीं बनता है, उसका देखिए इस तरह से कुछ डो रहता है, मिक्सचर टाइप का रहता है, बट वो ऐसा मिक्सचर रहता है जो वो बंधने लगे लड्डू के तरह। तो यहाँ देखिए पहले हमें लड्डू बना लेने इस तरह से, और फिर वो लड्डू लेना है। और ये देखिए ठेकुआ वाला ये सांचा होता है, आप ऐसे भी हाथ से उसे फ्लैट कर सकते हैं। ये देखिए सांचे से क्या होगा कि उसमें एक इंप्रेशन आ जाएगा और एक डिजाइन बन जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा। तो इसी तरह से सारे ठेकुआ बना लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, सांचा लेने से क्या होता है ना कि इसमें इंप्रेशन आ जाता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट बिना सांचा के भी वो टेस्ट तो वही रहेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है, और इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ देखिए इतने सारे ठेकुआ मैंने बना लिए हैं, ये देखिए। तो फ्राई करते हैं, तो फ्राई करने के लिए मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए फ्लेम हमारा रहेगा लो, लो फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करें, वरना हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। रेड कलर तो आ जाएगी पर वो क्रिस्पी टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए दोनों साइड से इसे हम अलट पलट करके फ्राई करेंगे, और बस ध्यान रहे कि आप ठेकुआ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्राई ना कर दें, मतलब क्रिस्प लाने के चक्कर में कई लोग क्या होता है कि वो काला हो जाता है, तो वो चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए अलट पलट करके हम इसे दोनों साइड से फ्राई करेंगे, बस फ्लेम का ध्यान रहे कि लो फ्लेम पर हमने फ्राई किया है। ये देखिए कलर आ चुका है, तो अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। भी एक साइड कलर आया है, दूसरे साइड कलर आ जाए तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप कलर देखिए कितना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से सारे ठेकुआ बनाकर हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए छठ प्रसाद वाली ठेकुआ बनकर रेडी है, बहुत ही अच्छा बनता है ये ठेकुआ का रेसिपी। ये बिहार की एक ऐसी मिठाई है जिसे छठ पूजा पर हमेशा बनाया जाता है, और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। बस ध्यान हमें ये देना है कि इसे क्रिस्पी किस तरह से बनाना, उसके टिप्स तो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा, छठ पूजा की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी ठेकुआ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने तो इसे गुड़ से बनाया क्योंकि पारंपरिक तरीका गुड़ से ही होता है, लेकिन आप चीनी से भी बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि आप देखिए इसका खस्तापन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है गाइस। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।